वालेकुम, कैसे हैं साहब? आज बहुत ही ज़बरदस्त आलू कीमा हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और दो तेज़पत्ते, एक लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, तीन लौंग, दो इलायची और कुछ काली मिर्च और ज़ीरा, ये डाल के हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज कट करके वो डाल देंगे। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, तो बस हल्का सा ही हम ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसमें हसबे ज़रूरत नमक डाल लेंगे और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जी हमने इसमें कीमा डाल देना है। कीमा जो है यहाँ पे ये मटन का कीमा है और 1/2 kg से थोड़ा सा कम है। अब इसकी हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर देनी है। ये देखें, इसकी हम ज़बरदस्ती भुनाई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये पसंद आएगी और फैमिली में सभी इसको लाइक करेंगे गारंटी के साथ। ये देखें जी, इसकी भुनाई हो गई है। ये इसकी बनाई हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि कीमा जो है वो गल जाए, ऊपर से कवर कर देंगे। और जब ये देखे पानी खुश्क हो गया, कीमा गल गया, तो ये टोमेटो क्यूब्स थे जो कि हमने पेस्ट बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तकरीबन 4 थे क्यूब्स, वो मैंने पहले निकाल के रख दिए थे तो वो मेल्ट हो गए थे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये थोड़े हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 क्यूब्स और डाल दिए। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे, लेकिन साथ ही हम इसमें आलू छोटे छोटे कट करके वो भी डाल देंगे। आलू आप जितना मर्ज़ी ऐड करना चाहें, मेरे बच्चे शौक से खाते हैं आलू, तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पर ज़्यादा आलू डाले हैं। तो यहाँ पे हम 2 सब्ज़ मिर्च साबित और 1-2 कट करके वो भी डाल देंगे। और उसके बाद हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर देनी है। शहरी में खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो जब ऐसी कोई रेसिपी होगी तो उस वक्त जो है हम ये देखें जी, इसके ऊपर कवर कर दिया था इसको ताकि आलू गल जाएं, और ये देखें आलू गल गए हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसकी भुनाई कर लेंगे। शहरी में खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो जब ऐसी कोई रेसिपी होती है तो सब इसको शौक से खाते हैं। और जो है ऐसी यमी सी मज़े की रेसिपीज़ आप भी ट्राई करें और आप इस रेसिपी से आलू कीमा बनाइए, यकीन करिए सबको पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे हौसला मिलता है। और ये देखें, इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और उसके बाद जी हमने हल्का सा पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि हल्की हल्की ग्रेवी जो है वो अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डाल लेना है और इसको 2 मिनट के लिए हमने बॉईल कर लेना है कवर करके, ताकि ये पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, हमारा कीमा, आलू कीमा रेडी हो गया है। और अब इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो आप लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। जितना ये दिखने में लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट मज़े का था, आप यकीन कीजिए। और यहाँ पे जो है मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार जो है हमारा आलू कीमा रेडी हुआ है। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।